हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उस पर एनक्यू डीक्यू ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, साथ ही साथ क्यू कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्यू क्या होता है? जैसे हम रियल वर्ल्ड में क्यू में लगते हैं कई बार हम टिकट लेने के लिए या ट्रैफिक लाइन्स में कार की लाइन्स होती हैं, तो वहां वो क्या होते हैं? क्यू में होते हैं। क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पर्सन क्यू में पहले लगा वो पर्सन क्या होगा? पहले बाहर जाएगा या क्यू से पहले डिलीट होगा। तो इस तरीके से क्यू डेटा स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट यही है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना था जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर हम यूज करते थे, लेकिन क्यू क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ वो एलिमेंट पहले डिलीट होगा। तो क्यू में एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू यानी क्यू के एलिमेंट को इंसर्ट करना। क्यू में दो चीजें होती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड से डेटा एलिमेंट इंसर्ट होता है और फ्रंट एंड से एलिमेंट को डिलीट या एक्सेस किया जाता है। तो ये दो ऑपरेशन होते हैं एनक्यू, एलिमेंट को ऐड या स्टोर करने के लिए, एंड डीक्यू, किसी एलिमेंट को रिमूव या एक्सेस करने के लिए। अब क्यू के हम टाइप्स देखें तो पहला टाइप है हमारा सिंपल क्यू। तो जैसा अभी हमने देखा कि क्यू में डिलीशन कहां से होता है? फ्रंट एंड से, और इंसर्शन कहाँ होता है? रियर एंड से। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन हम चाहें तो एरे से भी कर सकते हैं या लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। अगर लिंक लिस्ट से करते हैं तो हमारे ये मेमोरी स्पेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन अगर हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन एरे से करें तो क्या होता है? फ्रंट इंडेक्स पोजिशन है जो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजिशन को स्टोर करता है, और रियर क्या है? वो इंडेक्स पोजिशन है जो लास्ट इंडेक्स को स्टोर करता है, लास्ट इंडेक्स पोजीशन जहां एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब अगर सपोज एक कंडीशन ऐसी आए कि रियर हमारा एरे की साइज तक पहुंच जाए, सपोज एस साइज है इसकी, लास्ट इसका इंडेक्स पोजीशन यही हो सकता है। अब एरे अगर हमारा फुल हो गया, लेकिन अगर हम चाहें तो फ्रंट एंड से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा? उसके नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर। इसी तरीके से अगर हम डिलीट करते करते फ्रंट हमारा यहाँ तक पहुंच गया, रियर हमारा उसके बाद है, या दोनों सेम लोकेशन पर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ? शुरू के इंडेक्स पोजीशन पर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। अब हमारे पास एरे में स्पेस तो है, लेकिन क्यू में क्या होता है? इंसर्शन हम कहाँ करते हैं? हमेशा रियर पोजीशन पर, रियर यानी लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट करते हैं। अब क्योंकि एरे का साइज फुल हो चुका है, रियर हमारा लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है, तो अब हम इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ स्पेस फ्री है, ये स्पेस फ्री है, लेकिन फिर भी हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रियर को हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल क्यू में ये प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग के इंडेक्स पोजीशन अगर फ्री भी हो तब भी हम नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं अगर हम एरे के लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। सिंपल क्यू का यूज वैसे कई जगह होता है, जैसे डिस्क शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे प्रोसेस एक के बाद एक आते हैं, तो जो प्रोसेस जिस सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में उसका एग्जीक्यूशन होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी एलोकेशन के लिए भी जो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हुआ उसको पहले मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां इसका यूज होता है। इनपुट आउटपुट बफरिंग है, पाइप है, कॉल सेंटर है, इंटरप्ट हैंडलिंग है, इन सब में इसका यूज होता है सिंपल क्यू का। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था ये हमने देखा, एरे के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर क्यू का। अब ये सर्कुलर क्यू क्या है? इसमें इंसर्शन हमेशा रियर एंड पर ही होता है, लेकिन क्या होता है, जब सपोज ये हमारा सर्कुलर क्यू है, रियर यहाँ पॉइंट कर रहा है फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर,
सपोज एरे की साइज है हमारी 8, तो रियर कहाँ पहुंच जाएगा 7 पर। लेकिन लास्ट के बाद अगर फिर सपोज ये फ्रंट पोजीशन पर एलिमेंट डिलीट हो गया, फ्रंट हमारा उससे आगे चला गया, 0 से आगे चला गया, सपोज फ्रंट यहाँ चला गया, तो अब रियर को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी फिर से ये आगे बढ़ के अगले इंडेक्स पोजीशन पर 0, 1, 2 इस तरीके से सर्कुलर वे में इन एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है, यानी फ्रंट तक जब वो नहीं पहुंचे वो आगे बढ़ता जा सकता है और एलिमेंट को इंसर्ट करता जा सकता है। तो जो हमारे सिंपल क्यू में प्रॉब्लम थी एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन में, वो प्रॉब्लम यहाँ दूर हो जाती है। अब वो सारे एप्लीकेशंस जो सिंपल क्यू के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते थे, वो सारे एप्लीकेशन सर्कुलर क्यू में भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। एडवांटेज है इसका कि यहाँ मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं जाता है। देन थर्ड टाइप है हमारा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जैसा कि हमने देखा था, कई बार प्रोसेस की कुछ प्रायोरिटी रहती है और उसको उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ क्यू के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है और उसी प्रायोरिटी के बेस पर एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है उसे स्टार्टिंग में इंसर्ट किया जाता है और फ्रंट से हाई प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स डीक्यू किए जाते हैं या डिलीट किए जाते हैं। अगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो उनको सेम प्रायोरिटी वाले पोजीशन पर इंसर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ फ्रंट पर प्रायोरिटी जिसकी 3 है वो स्टोर है और ये जो एंटर किया जा रहा है एलिमेंट इसकी भी प्रायोरिटी 3 है, तो इसको 3 के बाद ही इंसर्ट किया जाएगा, ना कि 2 या 1 के बाद। इस तरह इस क्यू में जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल ही फॉलो करें। एक्चुअली फर्स्ट आउट तो होता है लेकिन फर्स्ट इन ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम प्रायोरिटी के बेस पर एलिमेंट को बीच में भी इंसर्ट करते हैं। और इस तरह के क्यू को इंटरप्ट हैंडलिंग, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम, हिप शॉट, हफमैन कोड जैसे एल्गोरिदम में भी यूज किया जाता है। देन हमारा फोर्थ टाइप है DQ। DQ शॉर्ट फॉर्म है डबल एंडेड क्यू का। डबल एंडेड क्यू यानी जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन करते हैं ये दोनों एंड से हो सकता है, दोनों छोर से हो सकता है, यानी फ्रंट पे भी हम इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं या रियर पर भी इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर यहाँ भी जरूरी नहीं है कि फॉलो हो, तो इसका यूज जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री या अनडू ऑपरेशन इन सब में इसका यूज किया जाता है, यानी इंसर्शन और डिलीशन दोनों ओर से होता है। लेकिन इसको भी दो टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। इसमें इनपुट यानी इंसर्शन किसी एक एंड से हो सकता है, यानी ये हम फिक्स कर सकते हैं कि हमें इंसर्शन फ्रंट से करना है या रियर से करना है, लेकिन DQ ऑपरेशन यानी डिलीशन दोनों में से किसी भी एंड से हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है रियर से भी हो सकता है, लेकिन इंसर्शन या इनपुट सिर्फ एक एंड से होगा। दूसरा टाइप है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ में आउटपुट यानी डिलीट ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि डिलीशन रियर से होगा या फ्रंट से होगा, यानी डिलीशन सिर्फ एक एंड से हो सकता है, जबकि इंसर्शन या NQ ऑपरेशन दोनों एंड से हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है रियर से भी हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स हैं क्यू के। आज के वीडियो में ये क्यू और इसके टाइप्स आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।